नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि यहां पे जो है मेरे पास अभी एक फ़ोन है वो है जियो का F120V फ़ोन। और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है यहां पे जो है इसका 0, 7 और 9 कीपैड वर्क नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद जो भी है वो वर्क तो कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर जो है तीनों पर हम चेक किए हैं, इस पर जो है सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों इसका सप्लाई हम कैसे ढूंढें, कहां से ढूंढें, आखिर कहां से होता है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको सबसे पहले चेक करा देता हूं कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसका जो है 5 भी वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी हम नहीं बता पाए। और यहां 6, 7, 8 वर्क कर रहा है, 9 वर्क नहीं कर रहा है, स्टार वर्क कर रहा है, 0 नहीं वर्क कर रहा है और हच भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल 4 कीपैड है दोस्तों, 7, 5, 0, 9 ये 4 बटन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों कि आप इसको कैसे सप्लाई चेक कर सकते हैं, आखिर कहाँ से ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कहाँ का सप्लाई कटा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर फ़ोन को हम रखते हैं ऑन ही और आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बजट की रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को आप बजट रेंज में सेट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि 0, तो देखिए यहाँ पे 0 पे इसमें सप्लाई आ रहा है और साइड वाला जो पॉइंट है इस पर सप्लाई नहीं आ रहा है। इसी तरह 7 में भी यहाँ पे सप्लाई आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसी तरह हमें 5 के अंदर भी यहाँ पर सप्लाई आ रहा है और साइड वाले पे पॉइंट पर नहीं आ रहा है। इसी तरह 9 पर भी ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये साइड वाला जो है यहाँ से यहाँ का कनेक्टिविटी है, यहाँ ये कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। और इसका टोटल सप्लाई आप सही से यदि चेक करेंगे दोस्तों तो सारी जगह से होकर के ये यहाँ से गया हुआ है, इस तरह से ये ऊपर की ओर गया हुआ है। और ऊपर की ओर जाने के बाद मैं आपको सही से दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे सही से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं चेक किया हूँ बट आपको, तो यहाँ पर जो है ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जो है ये आप सही से जब देखेंगे तो यहाँ पे ये सप्लाई ये वाला जो है यहाँ पे हम खरोच लिए, आपको भी ब्लेड के माध्यम से यहाँ जो है स्क्रैच कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप चेक कीजिए सही से देखिए तो, सॉरी यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सप्लाई पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ से जब आप यहाँ तक का चेक करेंगे, जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, ये 9 कीपैड पे नहीं था और 9 और 5, 7, 0 सब एक ही है, शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पे सप्लाई ये नहीं आ रहा, आप सही से देखेंगे तो, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों नहीं आ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक का सप्लाई जो है नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये होता है क्या, यहाँ से जो यहाँ तक का जो लाइनिंग गया हुआ है वो कहीं पे वाटर डैमेज होने के कारण शॉर्ट हो जाता है, या तो हो सकता है बीच से कहीं पे शॉर्ट हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे हम स्क्रैच करके देखे थे तो यहाँ से यहाँ तक पे जो है सप्लाई मिल रही है, ठीक है, और इससे आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वाटर डैमेज लगा, तो हम करते हैं क्या, यहाँ से जो है डायरेक्टली यहाँ तक का हम जम्पर कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, बटन जो है सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम जम्पर कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई सा भी प्रॉब्लम यदि आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सही से रिसर्च करके करें, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे कर लिए हैं जम्पर, अब जो है दूसरी ओर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम एक साइड तो कर लिए हैं, दूसरी साइड हो सकता है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक का सप्लाई मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे करते क्या है डायरेक्ट, चलिए यहीं तक हम कर लेते हैं सप्लाई कंप्लीट जम्पर। यदि आप हो सकता है कि दिक्कत होता है तो यहाँ भी डायरेक्ट लगा सकते हैं जम्पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम कर लिए हैं सोल्डिंग कंप्लीट, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है हम कर दिए हैं सोल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है और यहाँ पे भी हम कर लिए हैं सोल्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे यदि आपको मान लीजिए यहाँ पे सोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे सोल्डिंग, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ तक का जम्पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि सब पे जो है सप्लाई आ चुका है, ठीक है। वैसे हम बटन भी चेक करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वैसे कंटिन्यूटी रेंज में आपको बजेगा ये, लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीमीटर में थोड़ा ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब हम चलिए बटन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों ये 9 बटन भी वर्क कर रहा है, यहाँ पे 5 वर्क नहीं कर रहा था ये भी वर्क कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो है 7 नहीं काम कर रहा था और 0 नहीं काम कर रहा था, तो जो सारे बटन है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप रिपेयर कर सकते हैं जियो FX120 भी फ़ोन का बटन प्रॉब्लम, यानी *7509, ठीक है। ये 4 बटन का जो है कनेक्शन कटा हुआ था। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हुआ तो वीडियो कर दीजिए लाइक, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबाकर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर पहले से हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं वीडियो कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।